हेलो हेलो। नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर नए सेशन के साथ, आज फिजिक्स का लास्ट क्लास, इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध को देखेंगे। और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा करके प्रेम श्रद्धा आइडिया लाइफ सर्च कीजिएगा। उसमें जो है पूरा जो इससे पहले का क्लास जो अपलोड है उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बटे टू और उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बटे टू साबित करना। चलिए शुरू करने से पहले कुछ बातें बोलते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। कहा जाता है मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। चलिए आइए हम लोग फिर से नए सेशन के साथ देखेंगे अब नो बकवास ओनली क्लास। चलिए देखिए अब पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं यूट्यूब में जा करके प्रेम श्रद्धा आइडिया लाइफ सर्च कीजिएगा। तो इससे पहले का जो वीडियो है प्रकाश का प्रवर्तन का जो चैप्टर का वीडियो डाला गया है वो आप देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करना है एफ बराबर आर बटे टू। यही हमको साबित करना है, अवतल दर्पण में साबित करना है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बटे टू। दर्पण कौन सा लिया है? अवतल। अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है बराबर आर बटे टू, उसको अब यहां पर सामने लाते हैं। दर्पण का नाम है अवतल, इसे में साबित करना है कि एफ बराबर आर बटे टू आप साबित करके दिखाइए। चलिए हम थोड़ा सा इसमें कुछ बातें जो है एक बना लेते हैं। अवतल दर्पण कलई कर देंगे यदि बाहर की ओर, तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हमने मान लिया कि एक्स वाई कोई क्या है, अवतल दर्पण है, और एक लकीर खींच लेंगे जिसका ध्रुव पी होगा और फोकस बिंदु एफ होगा और वक्रता केंद्र सी मान। ठीक है, थोड़ा समान दूरी पर लेते हैं, ज्यादा हो गया थोड़ा, समान दूरी पर देखिएगा ये हमारा वक्रता केंद्र सी हो। ठीक है, ये अवतल दर्पण में साबित करना है। अब देखिए इसमें लिखने का थोड़ा कुछ तरीका है, लिख दीजिएगा सबसे पहले, इतना हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इतना लिखने के बाद आप सुन लीजिए क्या लिखना है। सर्वप्रथम लिखेंगे कि हमने माना कि, थोड़ा शुरू कर देते हैं, सर्वप्रथम लिखेंगे हमने माना कि ठीक है, माना कि एक्स बाई कोई क्या है, कोई अवतल दर्पण है। कोई कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, अब शॉर्ट में हम बोल देंगे, देखिएगा जिसका ध्रुव पी, फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र क्या है, सी है। हम मान लिए कि एक्स वाई कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है और फोकस बिंदु एफ है और वक्रता केंद्र कौन सा है, सी है। अब इस स्थिति में और लिखेंगे, अब माना कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है, मान लिए प्रधान अक्ष का नाम क्या है, सीपी। माना कि सीपी के समानांतर दर्पण के परावर्तक सतह एम बिंदु पर पड़कर परावर्तन के बाद या जो किरण है फोकस बिंदु एफ से होते हुए एम एन की दिशा में चली जाती, कोई दिक्कत नहीं।
यहां से किरणें आई और अनंत से आई तो F से होकर निकल गई, ठीक है। और इस स्थिति में क्या देखेंगे हम कि वक्रता केंद्र C और फोकस ये जो दर्पण के परावर्तक सतह M को मिलाने वाली रेखा जो होगी क्या होगा, यही जो हमारा अभिलंब है। इतना पता है कि जी दो किरणों को यदि मिलाएंगे तो यहाँ वक्रता केंद्र C से सेंटर पॉइंट से जो किरणें अगर जो मिलाते हैं हमको तो यहाँ पर जो है क्या होगा, अभिलंब हो जाएगा। इसमें क्या है कि आने वाली किरण और पढ़कर लौटने वाली किरण, तो हम एक बात बता रहे थे कि आकर पढ़ने वाली किरण को आपतित कर जाते हैं, सॉरी, और पढ़कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और बीच में जो हमारा होता है ये क्या होता है, अभिलंब होता है। और इन किरणों के बीच यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे आई द्वारा निरूपित करते हैं। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को स्मॉल आर कहते हैं, जिसे आप जिसे कहते हैं आपतन, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आकर लौट आकर पड़ने वाली किरण आपतित किरण, और पढ़कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। अब ये दोनों देखिए, यहाँ पर जैसे ही किरणें आई तो आ करके पड़ गई, तो इसको हम अभिलंब यदि मान लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पर कोण बनेगा क्या बनेगा, आई बनेगा। यहाँ जो हमारा कोण क्या बना, आई बना। और इसका जो आई के बराबर ही क्या बनेगा, आर। आई के बराबर कोण बनेगा, आर बनेगा। और आई के बराबर आर बन गया। और अगर जो देखा जाए, यदि आप पढ़े होंगे समांतर रेखाएं अभिघृत पढ़े होंगे, तो इसमें जो ऐसे होता है तो यदि मान लें कोण एक दो तीन चार, इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर पाँच छः सात और आठ, इतने कोण बन गए। तो एकांतर कोण पढ़े होंगे आप, यानी यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो इस प्रकार बने, यानी आमने सामने बने, यानी तिर्यक रेखा के अंतरंग बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। तो तिर्यक रेखा का चार जो हमारा है और छः, यानी चार का एकांतर कोण कौन बनेगा, छः बनेगा। और तीन का एकांतर कोण कौन बनेगा, पाँच बनेगा। सेम उसी प्रकार देखिएगा, ये मान लिया जाए कि दो किरणें आई है, ऐसे आई है और एक ऐसे। अब यहाँ से कोई मान लिया बढ़ा लेते थोड़ा से ऐसे, फिर यहाँ पर एम बिंदु है, दर्पण के परावर्तक सतह ऐसे गया है, और यहाँ से जो किरणें आई थे इसको आई मान लेते हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट सी है, इसको यदि मिलाएंगे तो यहाँ पर आई बना। इसका एकांतर देखिए आप, हमारा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा ही चला गया। तो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण देखें हम, तो यहाँ यदि आई है तो इसका एकांतर कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। और ये पहले से क्या हमारा आई, इतना बात सुन रहे हैं, तो ये हमारा आई के सामने यहाँ बनेगा एकांतर कोण क्या हो जाएगा, आई। चलिए इतना तो कर रहे हैं, अब आते हैं टॉपिक पर। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो इतना जरूर विश्वास दिलाएंगे कि 100% आपका जो है भेजा में डाल देंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे आप, बहुत कम ही समय में, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, हमने माना कि एक्स वाई कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र कौन है, सी है। अब माना कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष कौन है, सीपी। माना कि सीपी के समानांतर दर्पण के परावर्तक सतह एम बिंदु पर पड़कर कोई किरणें, आपतित किरणें परावर्तक सतह पर एम पर पड़कर फोकस बिंदु एफ से एमएन की दिशा में चली जाती है। उस स्थिति में बोलेंगे कि इतना लिखना है, उस स्थिति में वक्रता केंद्र सी और बिंदु एम को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दोनों क्या होगा, एम बिंदु पर क्या होगा, अभिलंब होगा। जब अभिलंब होगा तो कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा, और कौन बनेगा, आई आर। परावर्तन कोण बनेगा तो आई के बराबर एकांतर कोण आई होगा। चलिए ठीक है, अब आप चलते हैं थोड़ा से, थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा शॉर्ट। अब यहां लिखेंगे अब त्रिभुज, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब लिखेंगे त्रिभुज, यहां देखिए त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का नाम सी एफ एम। अब त्रिभुज सी एफ एम में, सॉरी सी एफ एम, सी एफ एम में देखा जाए, और लिखेंगे त्रिभुज सी एफ एम में, तो यहाँ पर जो आई के बराबर कौन होगा, आर। एंगल आई बराबर क्या लिख देंगे, एंगल आर। क्यों लिख दिए, तो इसका कारण देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एफ आई बराबर क्या हो गया, आर। अब इसी स्थिति में देखेंगे, अब लिखेंगे इसलिए सी एफ के बराबर हो जाएगा कौन, एफ एम। सी एफ यहां लिख रहा होगा, और के बराबर कौन है, एफ एम।
सी एफ बराबर एफ एम क्यों कहा जी? यहां लिखेंगे समान कोणों की, समान कोणों की, कारण देना है, समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की कौन सा भुजा? सम्मुख भुजा। समान कोणों की सम्मुख भुजा के कारण जो हमारा है सी एफ बराबर एफ एम, यानी कोण देखिए एंगल आई जो बना और एंगल आर है, ये दोनों कोण क्या है? समान है। लेकिन अगर यहां देखें हम समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए ऐसे फिगर हमारा जो इस तरह से गया है, यहां पर कोण बैठा हुआ है आर और यहां कोण बैठा हुआ है आर। यदि इन दोनों कोण को देखे तो एक दूसरे से क्या है? बराबर है, तो समान कोण है। तो इन दोनों का भुजा जो यहाँ सी है, यहाँ एफ है और यहाँ एम है, तो सी एफ के बराबर कौन हो जाएगा? एम। यदि समान कोणों की समूह भुजा का मतलब होता है यदि किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में समान हो तो उसकी समूह भुजाएं भी क्या होगी? समान होगी। तो हमारा जो सी एफ और यहाँ क्या हो जाएगा? एफ एम हमारा क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो सी एफ के बराबर एफ एम आ गया, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। चलिए अब पुनः देखिए, अब सी एफ के बराबर एफ एम हो गया, अब यहां तक ठीक है। अब लिखते हैं हम, अब उसके बाद लिखेंगे, अब यदि बिंदु एम पी के काफी करीब, पी के क्या हो? काफी करीब हो तो। चलिए देखिए, यदि जो हमारा बिंदु यहां दिख रहा होगा एम बिंदु, एफ से एम गया है, जो हमारा ऐसे दर्पण है यहां पर बैठा हुआ कौन है? एम। यदि एम बिंदु को यहां से उठाकर यहां ला देते ऐसे हो जाएगा, यदि इस बिंदु एम को उठाकर इसके सामने ला देते यहां आ जाएगा, तो हम बोले हैं कि अब यदि बिंदु एम पी के काफी करीब, बिंदु एम जो है पी के क्या हो? काफी करीब। यहाँ पी बैठा हुआ है, यहां पर एम, यदि इसको और यहां से लिया तो यहां आ जाएगा एम। तो कहने का मतलब है एक ऐसा स्थिति अंत में आएगा कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे यदि बिंदु एफ सी एफ जो है बिंदु एम जो है पी के क्या हो? काफी करीब हो। तो बिंदु एम जो हमारा पी के काफी करीब हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? पहले से क्या है हमारा एफ पी, पहले क्या है एफ पी, और के बराबर कौन हो जाएगा? यहां से जो यहाँ एफ एम था, जब इसको करीब ले आएंगे तो करीब आने के बाद जो ऐसे यहाँ है करीब आएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो हमारा एम है यहाँ पर एफ, तो पहले से तो एफ से क्या हो जाएगा? एम। तो हमारा सी एफ एफ पी बराबर जो हो जाएगा, एफ पी बराबर कौन हो जाएगा? एफ एम हो जाएगा। एफ पी के बराबर हो गया एफ एम, एफ पी बराबर एफ एम हो गया, और इसमें जो है एफ एम के बराबर हो गया एफ पी, एफ एम बराबर कौन हो गया? एफ पी। अभी दोनों इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड, हमारा जो फर्स्ट निकल कर आया सी एफ के बराबर कौन आया? एफ एम, और यहां पर जो है एफ पी बराबर कौन आ गया? एफ एम आ गया। समीकरण इसको मान लेंगे सेकंड। अब चलेंगे हम अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट एवं सेकंड से देखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या है। तो समीकरण फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ सी एफ के बराबर कौन है? एफ एम। सी एफ बराबर कौन है? एफ एम। और यहां पर अगर जो देखा जाए तो सी एफ बराबर एफ एम और एफ एम के बराबर कौन दिया है? एफ पी दिया है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखे तो सी एफ लिख देंगे, यहां लिखेंगे सी एफ बराबर, सी एफ के बराबर कौन दिया है? सी एफ के बराबर कहता है एफ एम। यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, पहला था सी एफ, सी एफ बराबर कौन है? एफ एम। अगला जो समीकरण सेकंड आया है इसमें कहता है एफ एम के बराबर कौन है? एफ पी। एफ एम के बराबर कौन है? एफ पी। इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है? एफ एम बराबर है। तो यदि एफ एम से एफ एम बराबर है तो सी एफ से कौन बराबर होगा? एफ पी बराबर होगा। फिर से एक बार देखिए, हमारा जो समीकरण फर्स्ट है, फर्स्ट समीकरण है सी एफ के बराबर है कौन? एफ एम। सी एफ के बराबर कौन आया है? एफ एम। यहां पर जो है एफ एम के बराबर कौन आया है? एफ पी। तो यहां पर लिखेंगे एफ पी जो है, एफ पी के बराबर कौन आया है? एफ एम आया है। यदि देखा जाए तो इस साइड जो हमारा दायां पक्ष है, दायां समीकरण का दायां पक्ष क्या है? आपस में समान है। जब समीकरण का दायां पक्ष समान हो जाएगा तो उसका बायां भी क्या होगा? आपस में समान होगा। तो हम कह सकते हैं सी एफ के बराबर कौन हो जाएगा? एफ पी। कब? समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों से जब तुलना करेंगे तब सी एफ के बराबर क्या निकल कर आएगा? एफ पी आएगा। अब यहां से थोड़ा समझिए,
सी एफ के बराबर एफ पी आ गया, तो यहां से देखिए सी से एफ तक चलेंगे, तो सी से एफ कोई बिंदु का नाम नहीं, यहां से अगर जो सी से हम यदि पी चलते हैं, हमको चाहिए सी एफ, हमें चाहिए सी और एफ चाहिए, यदि यहां पी तक, यदि हम सी एफ ना लेकर के हम सी पी लेकर के और यदि इसको हम घटा लें, ठीक है, तो हमारा पूरा मान कितना है, पूरा लेंगे सी पी में से घटा लेंगे कौन एफ पी, सी पी माइनस एफ पी को यदि घटा लेते हैं, सी पी माइनस एफ पी को घटाएंगे तो कौन निकल कर आएगा, सी एफ आएगा, सी एफ के बराबर हम लिख सकते हैं, हमको चाहिए सी से एफ तक, तो सी से एफ तक चाहिए, हमें एफ पी नहीं चाहिए, फिर से देखिए एक बार, हमें जो चाहिए यहां से यदि हम चले तो यहां हमारा सी है, यहां बैठा हुआ है एफ, यहां पर सी बैठा हुआ है एफ बैठा हुआ है, अगला बैठा हुआ कौन है पी, इसमें हमको चाहिए सी एफ निकालना है, तो सी एफ कुछ होता नहीं लेकिन सी से पी चले तो इसको वक्रता त्रिज्या आर का है, तो सी से पी तक चलेंगे तब, लेकिन हमको चाहिए सी से एफ तक, तो सी से एफ तो कुछ है नहीं, तो सी से एफ ना लेकर के हम लेंगे पूरा इतना मान, यानी सी से लेकर पी तक चलेंगे हम तो सी पी हो जाएगा, और हमें कौन फालतू आ गया, ये जो हमारा एड जो एक्स्ट्रा हो गया है इसको माइनस कर लेंगे हम, तो माइनस घटा लेंगे एफ और पी, यदि सी पी में से हम एफ पी को घटा लें तो सी पी माइनस एफ पी घटाएंगे, एफ पी जब घटाएंगे तो बचेगा क्या चाहिए हमारा, यदि एफ पी को घटा लें हम तो हमारा जो बचेगा, यदि देखिए सी पी में से एफ पी घटा दें तो एफ पी हट गया तो बचा क्या चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास बचा क्या चाहिए सी एफ बच गया, मतलब कहने का है कि यदि हम सी एफ के बराबर लिखना चाहें तो सी एफ के बराबर हम लिख सकते हैं, सी एफ के बराबर लिखेंगे सी एफ हमको चाहिए तो सी एफ के बराबर लिखेंगे पूरा लेंगे मान सी पी माइनस क्या हो जाएगा सी पी माइनस क्या चीज एफ पी, सी पी माइनस एफ पी को यदि घटा लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या चीज सी एफ, अब बराबर पहले से कौन है एफ पी, इसको रहते अब इसको लिख लेते हैं हम समीकरण कौन सा थर्ड, अब चलेंगे चिन्ह प्रणाली से, सी ये हमारा हो गया सी पी माइनस क्या चीज एफ पी, सी पी माइनस एफ पी, तो सी से पी क्या हमारा है सी से पी तक यदि हम चले तो सी पी, अब एक चिन्ह प्रणाली अब लिखेंगे चिन्ह प्रणाली से, चिन्ह प्रणाली से थोड़ा जगह कम है आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे चिन्ह प्रणाली से, अब जो लिखेंगे चिन्ह प्रणाली से, चिन्ह प्रणाली से, चिन्ह प्रणाली हम पढ़ा दिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यदि ऊपर की ओर जाए तो प्लस, नीचे आने पर माइनस, आपतित किरण की दिशा मापी गई दुनिया प्लस, विपरीत दिशा मापी गई दुनिया माइनस, लेकिन दर्पण कौन सा है अवतल, यदि दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण है तो हमारा पी है फोकस बिंदु है वक्रता के सी, सी से पी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर, और पी से एफ के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी फोकसांतर जिसको कहते हैं ध्रुव पी, और फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, अब दर्पण नहीं है कौन सा अवतल, हम पहले बताए चतुर्थांश में कि हमारा जो एक्स होता है और एक्स डैश है बाई और बाई डैश, डैश तरफ क्या होगा माइनस, दर्पण रखा हुआ है ऐसे कलई किया हुआ बाहर क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन इस तरफ जितना भी चीज आएगा सब क्या चीज होगा माइनस में, तो हमारा इस तरफ कौन आया एफ आया, तो एफ क्या चीज में हो गया माइनस में हो जाएगा, अगला जो हमारा यहाँ से यहाँ आर आया है तो आर का वैल्यू भी क्या होगा माइनस में, यानी कहने का मतलब है दर्पण के यदि तक दर्पण के तरफ रहे तो हमारा सब क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, चिन्ह प्रणाली से देखें तो समीकरण थर्ड जो था, समीकरण थर्ड देखिए थर्ड क्या हमारा समीकरण थर्ड था सी पी, सी पी माइनस एफ पी, तो सी पी चाहिए और कौन चाहिए एफ पी चाहिए, सी पी और एफ पी चाहिए, तो सी पी और एफ पी चाहिए, तो सी पी जरूरत पड़ेगा और एफ पी जरूरत पड़ेगा, और एफ पी तो पहले से पता है तो थोड़ा चल देते देखिए सी पी थर्ड समीकरण थर्ड हमारा जो है सी पी माइनस एफ पी बराबर क्या है एफ पी, ठीक है सी पी माइनस एफ पी बराबर क्या है एफ पी, समीकरण कौन सा है ये हमारा थर्ड, अब इसमें चिन्ह प्रणाली से देखिए सी पी का मान तो सी से पी, तो दर्पण यदि ऐसे रहे तो यहाँ हमारा ध्रुव पी है फोकस में तरफ है वक्रता केंद्र सी है, सी से पी तो इस तरफ आएगा हमारा क्या चीज निकल कर आएगा आर, आर क्या चीज में होगा माइनस में, तो हम लिखेंगे सी पी, अब समीकरण यहाँ सी पी का मान जो होगा सी पी बराबर माइनस आर होगा, अगला कौन है एफ पी, एफ पी के जो बराबर है एफ से पी क्या हमारा है फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी क्या चीज में है फोकस दूरी क्या चीज में होगी हमारा फोकस दूरी माइनस में, तो फिर वह क्या लिखेंगे माइनस में एफ,
एफ तो होगा, यहाँ फोका ग्रीक को कहते हैं एफ पी, तो हमारा एफ हो गया, माइनस में चला जाएगा। अब इतना ही जरूरत पड़ेगा समीकरण थर्ड में, और इसको पुट कर देंगे यहाँ, तो समीकरण थर्ड जो है सीपी, सीपी का मान क्या हो गया माइनस आर, और पहले से माइनस है माइनस देंगे, और एफ पी का वैल्यू क्या है, एफ पी का वैल्यू आया माइनस एफ रख देंगे, और बराबर एफ पी का वैल्यू इधर कितना आया माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो माइनस आर है माइनस आर रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा एफ, बराबर क्या हो गया माइनस एफ। अब हमारा जो है ये माइनस आर को माइनस आर लेंगे, बराबर ये जो प्लस में एफ है उस तरफ चला जाएगा, पहले ही बचा हुआ कौन है माइनस एफ, अभी जो हमारा प्लस में एफ है अब जाएगा अपना तरफ, ये हो जाएगा ये भी क्या चीज माइनस एफ, और माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कितना एफ टू एफ, यदि दोनों तरफ माइनस रहे तो बराबर से इस तरफ और उस तरफ काट देते हैं, तो आर बराबर क्या निकल कर आया आर बराबर टू एफ आर, आर वर्ग कितना है 2f, हमको साबित करना था, साबित क्या करना है, साबित करना है f के बराबर क्या होना चाहिए r बटे 2 होना चाहिए, ना कि r बराबर 2f, तो हम साबित करते हैं। अब देखिए हम हमारा जो है r बराबर 2f आ गया, इसी को यदि हम समीकरण के रूप में लिखे, यदि इसको और लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं 2f बराबर क्या चीज r, इसीलिए जब f बराबर लिखेंगे तो पहले से r है और बटे में क्या चला जाएगा 2, यही हमारा हो गया सत्यापित, यहाँ लिख देंगे क्या चीज प्रूफ। इस प्रकार जो है हम अवतल दर्पण में f बराबर r बटे 2 सत्यापित करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया, जिसका मान लिया कि x y को अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुवीय फोकस बिंदु वक्रता केंद्र सी है। अब इस स्थिति में क्या किया हम कि अवतल दर्पण पर जो है अवतल दर्पण के मान लिए कि CP के समानांतर, तो CP हमारा यहां से यहां तक, तो प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण मान लिए AM, मान लिया कोई किरण AM ली, और जो दर्पण की परावर्तक सतह M बिंदु पर टकर रहा है, और टकराने का फोकस बिंदु होते हुए वो जो MN की दिशा में चली गई, और इस स्थिति में क्या होता है कि वक्रता केंद्र C जो हमारा है और M बिंदु है, जिन इन दोनों के बीच यदि किरणों को मिलाए तो एक लंब बनेगा, इसे वो क्या बोलेंगे अभिलंब, हमारा जो आई कोण बनेगा आई के बराबर आर बन जाएगा, एकांतर कोण के नाते क्या हो जाएगा आई के बराबर आई हो गया। अब चलेंगे लिखेंगे आप त्रिभुज सी एफ एम, हमारा त्रिभुज सी एफ एम है, तो त्रिभुज सी एफ एम दिख रहा होगा, सी एफ एम में क्या लिए है एंगल आई के जो बराबर होगा कौन होगा आर होगा, एंगल आई बराबर क्या हो गया आर, क्यों हो गया परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम पढ़े थे कि एंगल आई और आर जो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, और इसीलिए हो जाएगा सी एफ के बराबर कौन हो जाएगा एफ एम, सी एफ के बराबर कौन नहीं है एफ एम, तो सी एफ से एफ एम चले गए, तो इसका मतलब हुआ समान कोणों की समूह हो जाए, यानी दोनों कोण आपस में क्या है समान है, जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में समान होते हैं उसकी भुजाएं भी क्या होती है आपस में समान होती है, इसलिए लिख दिए समान कोणों की समूह भुजा, यानी समीकरण इसको मानिए फर्स्ट। पुनः चले हम कि यदि बिंदु एम पी के काफी करीब हो, तो देखिए जो हमारा बिंदु यहाँ एम था, यदि इसको और यहाँ ले आए तो एम बिंदु यहाँ हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बिंदु लगभग क्या हो जाएगा बराबर, तो बिंदु एम पी के काफी करीब हो तो एफ पी, तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक एफ पी है वो किसके बराबर हो जाएगा लगभग हो जाएगा किसके बराबर एफ एम के बराबर, तो एफ पी बराबर कौन हो गया एफ एम, इसको मान लिया समीकरण सेकंड। अब जो चले समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों की तुलना किए, तो हमारा जो देखिए बताए थे कि यहाँ एफ एम बराबर कहता है कौन एफ पी, और यहाँ एफ एम के बराबर कहता है कौन सी एफ, तो जिसका दायां से दायां साइड बराबर होता है उसका बायां से बायां साइड बराबर, यानी कि आर एच एस बराबर हो गया तो उसका एल एच एस भी क्या होगा बराबर होगा, इसीलिए हम कह दिए सी एफ के बराबर कौन हो गया एफ पी। यहाँ यदि नहीं समझे होंगे तो फिर से देखिए एक बार यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ हमारा पहला था कि सी एफ के बराबर कौन है एफ एम, और अगला कहता है सी पी के बराबर है कौन एफ एम, तो हमारा जो यहाँ आर एच एस राइट हैंड साइड जो है इसका राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है बराबर, जिस समीकरण का राइट हैंड साइड बराबर होते हैं उसका एल एच एस भी बराबर होते हैं, तो सी एफ के बराबर क्या लिखते हैं हम सी एफ के बराबर क्या लिखे हैं, ये हमारा एफ पी है सॉरी सी एफ, तो हमारा सी एफ के जो बराबर क्या होगा एफ पी होगा, सी एफ के बराबर क्या है एफ पी होगा, सी एफ के बराबर एफ पी। अब सी एफ के बराबर एफ पी जब हो गया इसको मान लेते हैं यदि समीकरण थर्ड थर्ड ना मानकर थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, तो सी एफ कुछ है नहीं, देखिए सी से एफ कोई दूरी है कुछ नहीं है, लेकिन हमको पता है वक्रता के सी एफ ध्रुव पी तक जाएंगे, तो यदि उतना दूर चले तो हमको उसको कहेंगे ध्रुव पी,
और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको R द्वारा निरूपित करते हैं। तो C से P तक तो कुछ है, हमारा F के बीच भी क्या है, फोकस दूरी है, लेकिन C से F कोई कुछ है, कुछ नहीं है। तो हम क्या किए, CF को चेंज कर दिए। अब CF ना लिख करके कहने का मतलब हुआ कि यदि हम 20 लिखना चाहें, अब 20 का कोई रीजन नहीं, तो 20 ना लिख करके हम लिख सकते हैं 10 गुना कितना 2। उसी प्रकार हम 20 को भाषा बदल कर लिख रहे हैं, उसी प्रकार हमारा जो CF है, CF को बदल दिए भाषा, तो CF हमको चाहिए, तो हम पूरा लिख दिए, पूरा का मान क्या चाहिए CP, CF चाहिए, लेकिन हम पूरा चल गए CP तक, अब CP चल गए तो जितना बल है उसको माइनस कर दिए, तो पूरा कितना गए, पूरा गए CP तक, जिनको बल कम गए तो F से P ज्यादा हो गया, F P को क्या कर लेंगे बाद में घटा लेंगे, जो ज्यादा हो गया उसको क्या किया घटा देंगे, घटा दिए तो भी बात वही हो गया किसके बराबर CF के बराबर, बच गया क्या चीज F P, इसको मान लिया समीकरण थर्ड। अब दूसरा पेज में बताए थे अब चिन्ह प्रणाली से चले, तो समीकरण थर्ड है सीपी बराबर सीपी माइनस एफ पी बराबर एफ पी, तो क्या एफ पी की जरूरत पड़ेगी और सीपी का, तो सीपी हम पहले पता कि सीपी का जो मान होगा क्या चीन आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यहाँ पी है, फोकस बिंदु एफ है, वक्रता केंद्र सी है, तो इन दोनों के बीच जो आएगा आर, तो आर का वैल्यू इस तरफ आएगा तो ये एक्स डैश में आ गया, तो इस तरफ क्या हो जाएगा सर माइनस में, तो ये जो हमारा सी से पी के बीच की दूरी को बताते हैं वक्रता त्रिज्या आर होगा, तो आर का मान क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा, और एफ पी देखिए तो एफ से पी भी दर्पण के सामने, दर्पण के सामने फोकस दूरी का है, तो फोकस दूरी का भी मान क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा, तो सी पी भी माइनस में आ गया और एफ पी का भी मान माइनस में आ गया। अब यहाँ समीकरण थर्ड में बैठा देंगे तो सी पी का जो मान है माइनस में आ और माइनस किए हम एफ पी का मान माइनस पहले से, और एफ पी का जो वैल्यू कितना है माइनस है, ब्रैकेट में लिख दिए बराबर एफ पी का मान माइनस से पुट की। अब यहाँ पर देखिए माइनस आर का माइनस आर आ गया, लेकिन माइनस से जब माइनस में गुना किया क्या हो गया प्लस, प्लस क्या बच गया एफ बराबर माइनस एफ पहले से, अभी बच गया हमारे पास माइनस एफ, और लिखते जाइएगा इस तरफ, और माइनस आर बराबर यहाँ हो गया एफ माइनस में पहले से था यहाँ लिख, अब जो हमारा प्लस में एफ है उस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस एफ, और माइनस आर बराबर बच गया माइनस माइनस दोनों एफ है तो मिलकर कितना हो गया माइनस टू एफ, माइनस माइनस कट गया तो इसीलिए आर बराबर क्या बच गया टू एफ, लेकिन हमको लाना है एफ का मान, आर का मान नहीं, तो एफ बराबर लिखेंगे इसी को यदि लिखें टू एफ बराबर आर, यदि आर बराबर टू एफ है तो क्या टू एफ के बराबर आर होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एफ बराबर बच गया कौन आर, जो गुना रहता है बटे में चला जाता है, एफ बराबर क्या होगा आर बटे, और इस प्रकार हमारा अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध को क्या किए स्थापित किए। हम फिर से बोलेंगे मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जय हिंद, राधे राधे आप सभी को, आपका दिन शुभ हो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, यदि कुछ कमी लगे, कुछ दिक्कत हो, या तो कुछ बातें समझ में नहीं आई हो, तो या तो कुछ वीडियो ढंग से दिखाई नहीं दिया हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो से उसको फिर से सुधार करेंगे। धन्यवाद।